हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट एनिमल मूवी। ये जो डिस्कशन हो रहा है कि फिल्म कितनी प्रॉब्लमेटिक है, इट इज़ मिसोजिनिस्टिक, इस पर बात करते हैं। तो फिल्म में ना लॉयल्टी इज समथिंग जो किसी भी कैरेक्टर की प्रायोरिटी नहीं है। सगाई के दिन रश्मिका डिसाइड्स टू बिट्रे हर पार्टनर फॉर रणबीर कपूर। शादी के बाद रणबीर कपूर चीट्स ऑन रश्मिका। देन देर आर फ्यू सीन्स जहाँ पे विलन अपने इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान अपनी थर्ड वाइफ के साथ ना जबरदस्ती करता है। रणबीर गुस्से में रश्मिका का गला दबा देता है, उसे चोक करता है। तो वायलेंस जो है वो बहुत सारा है एंड कई सारी ऐसी मेस्डअप चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, पर एंड में दिस इज जस्ट अ फिल्म, तो चलो दैट इज अंडरस्टूड। क्योंकि ऑब्वियसली पूरी फिल्म में इतने लोग मार खा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पर पुलिस का कोई एक्शन देखने नहीं मिल रहा। ये सब इलॉजिकल है, बट अगेन लोग फिल्म में एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, वो चलो ये मूवी को दे देते हैं। एंड एक्चुअल प्रॉब्लम ये फिल्म को जिस पर्सन ने बनाया है ना, उसके थॉट प्रोसेस से है। ही इन अ वे थिंग्स कि प्यार में अगर कोई है एंड आप अपने पार्टनर को अब्यूज़ नहीं कर सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, कहाँ पे भी टच नहीं कर सकते, देन दैट इज नॉट एक्चुअल इमोशन। संदीप वांगा एक्चुअली स्टेटेड ऑल दिस, इफ यू डोंट हैव दैट फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, इफ यू डोंट हैव द लिबर्टी ऑफ स्लैपिंग ईच अदर, देन आई डोंट सी एनीथिंग देयर। एंड इफ यू कांट स्लैप, इफ यू कांट टच योर वुमन वेयर एवर यू वॉन्ट, एंड इफ यू कांट स्लैप, यू कांट किस, यू कांट यूज कस वर्ड्स, आई डोंट सी इमोशन देयर। एंड ये जो थिंकिंग है ना, वो संदीप जी के मूवी में भी कहीं ना कहीं देखने मिलती है। कबीर सिंह में द हीरो वॉज अब्यूसिव, नाउ एनिमल में भी सेम पैटर्न है। देखो नो डाउट ये फिल्म में जो रणबीर कपूर की एक्टिंग रही है, दैट वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। जिस वे से संदीप वांगा ने ये पूरे फिल्म को क्रिएट किया है, दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। तो मेहनत से इन्होंने फिल्म बनाई है। एंड अगर ये लोग कहते ना कि फिल्म को फिल्म की तरह लो एंड रियल लाइफ में ये एक्शंस को अप्लाई मत करो, तो समझ आता। पर प्रॉब्लम संदीप वांगा के केस में ये है कि जो सीन्स ही शोकेस्ड, जो वायलेंस कपल्स के बीच में ही शोकेस्ड, ये सब अकॉर्डिंग टू हिज माइंडसेट इज आल्सो जस्टिफाइड इन रियल लाइफ, एंड दैट इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। हाउ कैन यू से कि प्यार में हो तो गुस्से में यू कैन डू सर्टन थिंग्स, थप्पड़ मार सकते हो। व्हाई आर यू ट्राइंग टू ग्लोरीफाई सच रॉन्ग डूइंग्स? अभी आई वुड लाइक टू रिपीट अ लाइन व्हिच वाज कोटेड बाय प्रियंका चोपड़ा, कि व्हेन वी स्पीक अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, एट दैट पॉइंट वी आर नॉट सेइंग दैट वी वांट टू फाइट अ मैन, बीट समवन, बिकॉज इट इज प्रूवन दैट मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकली। अगर एक आदमी फीमेल को थप्पड़ मारता है एंड रिटर्न में एक फीमेल आदमी को थप्पड़ मारती है, तो इम्पैक्ट जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि मेल्स आर बिल्ड डिफरेंटली, उनका स्ट्रेंथ अलग है। एंड ये जो भी लोग हैं जो थप्पड़ को इतना लाइटली ले रहे हैं, उनको ये आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए जहाँ पे एक थप्पड़ की वजह से ना लोगों की जान गई है। ऐसे न्यूमरस केसेस रहे हैं अलग अलग देशों से। एक आर्टिकल था कि हस्बैंड ने गुस्से में ना थप्पड़ मारा वाइफ को एंड वाइफ की जान चली गई। अभी यहाँ पे हस्बैंड का इंटेंशन नहीं था कि अपनी वाइफ को ना वो जान से मार डालेगा, बट ही वॉज नॉट अवेयर कि उसके एक्शंस का क्या रिपरकशंस हो सकता है। थप्पड़ मारने पे जो शॉक फील होता है ना, वो इतना सीवियर डैमेज कर सकता है कि इट कैन बी फेटल। बट नहीं, वांगा यूनिवर्स में तो दिस इज हाउ यू लव, इफ यू कांट डू दिस देन कैसा प्यार। ऐसे लेम स्टेटमेंट्स कोई कैसे मार सकता है? एक गलत एक्शन एंड सब खत्म हो जाएगा। एक थप्पड़ एंड क्राइम सीन में पूरा लव स्टोरी चेंज हो जाएगा। वाई टू ग्लोरीफाई सच थिंग्स? क्योंकि लोग जब ऐसे इंटरव्यूज देखते हैं ना, उनके दिमाग में वैसे स्टेटमेंट्स बैठ जाते हैं। सोचो 16 साल का कोई लड़का ये सब देख रहा है, उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि अल्फा मेल ऐसे बनते हैं। ये सारे जो इंटरव्यूज देखने मिले वो शायद कबीर सिंह के वक्त पे दिए थे, पर कबीर सिंह के दौरान ना शाहिद कपूर काफी रिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट कर रहे थे। ही वॉज वेरी वोकल अबाउट दिस कि जो भी फिल्म में वो कैरेक्टर कर रहा है, वो सब फिल्म में हो रहा है, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। थिएटर में जाओ देखो, बट इंस्पायर मत हो, बिकॉज कबीर सिंह के एक्शंस आर नॉट जस्टिफाइड। इस वजह से ना उस दौरान में कभी शाहिद कपूर को हेट नहीं मिला फॉर प्लेइंग दैट रोल, बिकॉज ही न्यू कि इंटरव्यूज में वो क्या बोलते हैं, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। प्रॉब्लम था संदीप वांगा का स्टेटमेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में व्हाई ही वांट्स टू जस्टिफाई सच मेस्ड अप कैरेक्टर्स। ही प्लक्स हर आउट ऑफ द क्लासरूम एंड मार्क्स द टेरिटरी एंड सेज दैट तू मेरी बंदी है। राइट। मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता उसमें। यू कॉल 2000 पीपल टू योर वेडिंग एंड पुट अ नॉट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? एन एनिमल मूवी के प्रमोशंस के दौरान भी यही हो रहा था। ऐसे टाइप के अब्यूजिव प्यार को ना जस्टिफाई किया जा रहा था। इवन एक डिस्कशन के दौरान रणबीर कपूर ने स्टेटमेंट दिया that the character he played in the film, that character loves his wife a lot and that kind of love he aspires to feel in real life. I think he is deeply in love with his wife Gitanjali. Wo Gitanjali ko bahut dil se pyar karta hai and that kind of love is something which I aspire also in my life. This is so wrong. Real life mein I don't think so. Film dekhne ke baad Alia Bhatt aisa kuch bolegi ki real life mein wo aisa pyar aspire karti hai. See, audience bilkul bhi expect nahi karti filmmakers se ki wo sirf message wali filmein banaye. फिल्में जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है एट टाइम्स, तो ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स एंड कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाने में फिल्म मेकर्स को मजा आ रहा है, तो दे कैन डू इट। एंड फिल्म मेकर्स का काम नहीं है लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाना या उनको अच्छा इंसान बनाना, दैट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतना सब बेनिफिट ऑफ डाउट ना उनको मिलता है,
पर प्रमोशंस के दौरान वो क्या बोलते हैं ना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें ग्लोरीफाई करने का ट्राई करोगे, देन जो आपको बैकलैश मिलेगा आपके स्टेटमेंट्स पे, दैट यू हैव टू ओन, बिकॉज उसमें ऑडियंस की गलती नहीं है। आप अपनी ऑडियंस को ये बता रहे हो कि जो कैरेक्टर फिल्म में दिखाया है वो एक्चुअल में अगर ऐसा करता है रियल लाइफ में, तो इट इज जस्टिफाइड एंड दैट इज नॉट ओके। जैसे भूमि पेडनेकर का रिसेंट फिल्म आया था थैंक यू फॉर कमिंग, अभी वो फिल्म में भी ना कई सीन्स इलॉजिकल थे। गलत चीजें जैसे एनिमल पुश करी है, वैसे वहां पे भी पुश किया गया है। जैसे एनिमल मूवी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को पुश किया गया है, वैसे ही वो मूवी में सेंशुअल एक्टिविटीज एक तरह का फीमेल एम्पावरमेंट है, ऐसा मैसेज थ्रो करने की कोशिश की गई है। बट अगेन इट वॉज जस्ट अ फिल्म, तो वी कैन लेट इट स्लाइड। कि वो लोगों के ऊपर है कि ऐसी चीजें देख के उनको इंस्पायर होना है कि नहीं। प्रॉब्लम तब हुआ जब प्रमोशंस के दौरान भी भूमि पेडनेकर वियर्ड चीजों को ना जस्टिफाई करने लगी, तो वहां पे भी रियल लाइफ स्टेटमेंट से प्रॉब्लम हुआ। देन कई साल पहले एक फिल्म आई थी विवाह करके, अभी फिल्म में चलो सर्टन थिंग्स वेर शोन विच मेड नो सेंस एट ऑल, बट अगेन इट वॉज जस्ट अ फिल्म। प्रॉब्लम उस केस में भी यही था कि फिल्म के रिलीज के कई सालों के बाद भी वो लव स्टोरी को ना ये बोल के ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि दिस इज द आइडियल लव स्टोरी, संस्कारों भरी फिल्म, जबकि फिल्म में कई सारी मेस्ड अप चीजें थी। फीमेल्स की तरफ रिग्रेसिव थॉट्स को पुश किया गया था। लड़की 19 की हुई नहीं कि शादी जल्दी जल्दी कर दो, ये फोकस रहा है उस फिल्म का। एंड वहां पे टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी देखने मिला। तो सिर्फ फिल्म तक ही वो सीमित रहता तो प्रॉब्लम नहीं होता, पर रियल लाइफ में कई स्टेटमेंट्स देख के जब आप वैसी फिल्मों का एग्जाम्पल देते हो, वैसी लव स्टोरीज को फैंटेसाइज करते हो, वैसे रिग्रेसिव थॉट्स को पुश करते हो, देन इट इज नॉट राइट। क्योंकि फिर खुद आप फिल्म के कुछ सीन्स उठाते हो एंड अपनी ऑडियंस को बोलते हो कि रियल लाइफ में यू शुड बी लाइक दिस। तो दैट इज द पॉइंट, जब आप सर्टन मिसोजिनिस्टिक चीजों को देन सर्टन इनअप्रोप्रिएट एक्शंस को रियल लाइफ में वाई अपने इंटरव्यूज जस्टिफाई करने का ट्राई करते हो, देन इट इन अ वे शोज कि इट इज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर और अ फिल्म, इट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड सेट। जैसे संदीप वांगा सेड कि इफ यू कांट टच योर वुमन वेर एवर यू वॉन्ट देन आई डोंट सी इमोशंस देयर। ये चीज ना कोई फिल्म की डायलॉग नहीं है, दिस इज रियल लाइफ। ऐसी चीजें बोलते हैं कि आप कहीं पे भी उसे टच कर सकते हो, तब कन्वीनियंटली फॉरगेट्स कि देर आर सर्टन पीपल हु लाइक इट रफ एंड देर आर सर्टन वुमेन हु डोंट वांट टू पुश देयर लिमिट्स। एंड जस्ट बिकॉज योर गर्लफ्रेंड और वाइफ इज सेइंग नो टू सर्टन थिंग्स, दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करती। इट इज जस्ट दैट शी इज नॉट ओके डूइंग सर्टन सेंशुअल एक्टिविटीज। एंड आप बोलोगे कि संदीप वांगा ने कभी सेंशुअल एक्टिविटी ये लाइन यूज नहीं किया है, पर वो जो लाइन यूज किया है कि कहीं पे भी टच किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट को सामने वाला किस वे से लेगा, यू नेवर नो। और एक स्टेटमेंट डायरेक्टर का देखने मिला जहाँ पे ही सेज कि एक सीन में रणबीर कपूर का कैरेक्टर रश्मिका के कैरेक्टर को जो बोलता है कि उसका बिग पेल्विस है, वो उस मोमेंट पे वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह देता है। इन अ वे ये लाइन से वो कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा है कि उसके साथ वो फ्यूचर देखता है। तो दो ये स्टेटमेंट कुछ लोगों को वियर्ड लग सकता है, बट दैट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज यहाँ पे ना संदीप वांगा जस्ट एक कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस उस मोमेंट पे क्या था वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि उसका मेंटल स्टेट ऐसा है, वो ऐसे एक्ट कर सकता है, उसका पास्ट ट्रॉमा ये रहा है, इस वजह से वो फिल्म में इस वे से एक्ट करता है, देन दैट इज टोटली ओके बिकॉज वो जस्ट अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट कल जाके अगर वो प्रीच करता है कि जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसको आप बिग पेल्विस से कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, देन वो डिस्कशन सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहती। दैट इज द डिफरेंस। सी एज अ फिल्म डायरेक्टर संदीप जी जो है वो काफी एक्सेलेंट होंगे अपने क्राफ्ट में, नो डाउट इन दैट, बट एज अ पर्सन वो काफी मेस्ड अप चीजें बोलते हैं, विच इज वेरी वियर्ड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि संदीप वांगा के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको भी वो प्रॉब्लमैटिक लगे। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।